अगर आपने ईफिलिंग पोर्टल से फ्री पैन कार्ड बनवाया है तो आपके पैन कार्ड पर फादर नेम और सिग्नेचर नहीं आते हैं और जो आपके आधार कार्ड में फोटो होता है वही फोटो आपके पैन कार्ड पर प्रिंट किया जाता है, लेकिन आप अपनी पसंद का फोटो, सिग्नेचर और फादर नेम ये तीनों ऑनलाइन ही अपडेट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन फोटो, सिग्नेचर और फादर नेम अपडेट करने का 2023 का लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। इस प्रोसेस से आप सिर्फ फोटो और सिग्नेचर भी अपडेट कर सकते हैं। अगर आपने पैन कार्ड किसी और वेबसाइट से बनवाया है और आपके पैन कार्ड पर फादर नेम पहले से अपडेट है तो आप सिर्फ फोटो और सिग्नेचर भी अपडेट कर सकते हैं। बस इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आपके आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP सेंड किया जाएगा। आपको अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर में UTI पैन सर्विस पोर्टल, इस पोर्टल को ओपन कर लेना है। इसका लिंक आपको डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर चेंज स्लैश करेक्शन इन पैन कार्ड, क्लिक टू अप्लाई, इस पर ओके करेंगे। अप्लाई फॉर चेंज करेक्शन इन पैन कार्ड डिटेल्स, इस पर ओके करेंगे। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, फिजिकल एंड डिजिटल। अगर आप फिजिकल मोड से पैन कार्ड में फोटो एंड सिग्नेचर और फादर नेम अपडेट करते हैं तो आपको अपने फिर सभी डॉक्यूमेंट्स किसी भी UTI ऑफिस पर जमा करवाने होंगे। डिजिटल मोड में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं पर सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट को अपलोड करके अपने पैन कार्ड में फोटो, सिग्नेचर और फादर नेम अपडेट करवा सकते हैं। अब यहाँ पर भी आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, एक है आधार बेस्ड AKYC ऑप्शन। अगर आप AKYC ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो इसमें आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपको AKYC ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे सेकंड ऑप्शन, इसमें हम अपनी पसंद का फोटो, सिग्नेचर दोनों अपडेट करवा सकते हैं और साथ में हम फादर नेम भी अपडेट कर सकते हैं। और जो तीसरा ऑप्शन है ये आपके किसी भी काम का नहीं है, इसमें आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये सभी के पास नहीं होता है, इसको अलग से बनवाना पड़ता है, तो इसलिए आपको ये लास्ट वाला ऑप्शन अवॉइड करना है, इसको सिलेक्ट नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे, पैन कार्ड नंबर दोबारा डालेंगे कंफर्म करने के लिए, ओके करेंगे। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, तो इसमें हम सिलेक्ट करेंगे बोथ फिजिकल पैन कार्ड एंड ई-पैन। इसमें हमें दो पैन कार्ड मिलेंगे, एक फिजिकल मोड में जो कि हमारे एड्रेस पर बाय पोस्ट सेंड किया जाएगा, और एक ई-पैन मिलेगा मतलब पैन कार्ड की डिजिटल कॉपी हमारी ईमेल आईडी पर सेंड की जाएगी। अगर आप पैन कार्ड की फिजिकल कॉपी नहीं लेना चाहते हैं तो आप दूसरे वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें फिर आपको सिर्फ पैन कार्ड की डिजिटल कॉपी ही मिलेगी। तो इसमें मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको पैन कार्ड की दोनों कॉपी लेनी है, क्योंकि फिजिकल कॉपी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसके बाद सबमिट करेंगे, आपका एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा, ओके करेंगे। यहाँ पर अपना टाइटल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम डालेंगे। अगर आपका सिंगल नेम है तो यहाँ लास्ट नेम में फिल करेंगे। यहाँ पर फादर का फर्स्ट नेम डालेंगे, यहाँ पर मिडिल नेम एंड यहाँ पर लास्ट नेम। अगर कोई मैरिड वुमेन है तो उनको भी अपने फादर का नेम ही यहाँ पर फिल करना है, यहाँ पर हस्बैंड नेम नहीं आएगा। अगर आपने ई-फिलिंग से अपना पैन कार्ड बनाया है और आपके पैन कार्ड पर फादर नेम अपडेट नहीं है तो फादर नेम अपडेट करवाने के लिए फिर आपको इस वाले बॉक्स को चेक करना है। लेकिन अगर आपके पैन कार्ड पर पहले से फादर नेम अपडेट है, आपने ई-फिलिंग के थ्रू नहीं बनवाया है, आपको सिर्फ फोटो और सिग्नेचर अपडेट करना है, तो फिर आप इस बॉक्स को अनचेक रखेंगे, यहाँ पर मदर्स नेम डालेंगे। वैसे ये ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। आप पैन कार्ड पर किसका नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं, फादर्स नेम या फिर मदर्स नेम, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पर अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे, आधार नंबर दोबारा डालेंगे कंफर्म करने के लिए, ओके करेंगे। यहाँ पर नेम डालेंगे एज पर आधार, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर अपना कम्युनिकेशन एड्रेस डालेंगे, आपके पैन कार्ड की जो फिजिकल कॉपी होगी वो आपको इसी एड्रेस पर सेंड की जाएगी, तो यहाँ पर एड्रेस टाइप सेलेक्ट करेंगे, ऑफिस या फिर रेजिडेंस। अगर आप पैन कार्ड की फिजिकल कॉपी ऑफिस पर लेना चाहते हैं तो ऑफिस सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको अपने ऑफिस का एड्रेस फिल करना है। लेकिन अगर आप रेजिडेंस एड्रेस पर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर रेजिडेंस सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस फिल करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर फ्लैट, डोर या ब्लॉक नंबर डालेंगे, यहाँ पर बिल्डिंग या विलेज का नेम डालेंगे, यहाँ पर रोड, स्ट्रीट या पोस्ट ऑफिस डालेंगे, यहाँ पर एरिया, लोकेलिटी डालेंगे, यहाँ पर अपने टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट का नेम डालेंगे, यहाँ पर आपका स्टेट बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट रहेगा, यहाँ पर अपना पिन कोड डालेंगे, यहाँ पर अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ISD कोड सिलेक्ट करेंगे, इसमें आपको फिल करना है इंडिया। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पर ईमेल आईडी डालेंगे, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। हमें फोटो और सिग्नेचर दोनों अपडेट करने हैं तो यहाँ पर इन दोनों बॉक्स को चेक रखेंगे, यहाँ पर हिमसेल्फ हरसेल्फ सिलेक्ट रखेंगे और यहाँ अपना नेम फिल करेंगे। जैसे ही आप इस बॉक्स के अंदर क्लिक करेंगे तो आपका नेम यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे, आप कितने डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले हैं। जैसे कि हम दो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे 2। अगर आप सिर्फ आधार कार्ड की कॉपी भी अपलोड करते हैं तो उससे भी आपका फोटो सिग्नेचर अपडेट हो जाएगा, लेकिन फिर आपको यहाँ पर नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट में 1 सिलेक्ट करना है। इसके बाद
आप प्लेस में अपनी सिटी का नाम डालेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ सिलेक्ट करेंगे, इसमें हम सिलेक्ट कर लेते हैं आधार कार्ड। इसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड करेंगे, अपलोड करने के लिए यहाँ चूज फाइल पर ओके करेंगे, फाइल की लोकेशन सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, आधार कार्ड अपलोड हो चुका है। इसके बाद एड्रेस प्रूफ सिलेक्ट करेंगे, इसमें भी हम आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर भी आधार कार्ड अपलोड करेंगे। इसके बाद डीओबी प्रूफ, इसमें भी हम आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर अपलोड कर देंगे। यहाँ पर पैन प्रूफ सिलेक्ट करेंगे, अगर आपके पास पैन कार्ड की कॉपी अवेलेबल है तो आप यहाँ पर पैन कार्ड की कॉपी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप नो डॉक्यूमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम पैन कार्ड की कॉपी अपलोड करेंगे, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं कॉपी ऑफ पैन कार्ड, यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे। यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करेंगे, फोटो का डायमेंशन आपको 213x213 पिक्सल्स में रखना है और फोटो का मैक्सिमम साइज 30 KB तक रखना है। यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करेंगे, तो फोटो और सिग्नेचर का साइज आप किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको फोटो और सिग्नेचर का साइज मेंटेन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद सबमिट करेंगे। अब हमें पेमेंट करना होगा, तो यहाँ मेक पेमेंट इस पर ओके करेंगे। 106 रुपीज 90 पैसे का हमें पेमेंट करना है। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालेंगे। इसके बाद यहाँ बिल डेस्क इसको सिलेक्ट करेंगे, कंफर्म पेमेंट इस पर ओके करेंगे। पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, क्यूआर कोड या फिर यूपीआई से कर सकते हैं। सो हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने वाले हैं, तो यहाँ पर अपना कार्ड नंबर डालेंगे, यहाँ पर एक्सपायरी मंथ एंड ईयर डालेंगे, यहाँ पर सीवीवी कोड, यहाँ पर कार्ड होल्डर नेम। इसके बाद मेक पेमेंट करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी डालने के बाद सबमिट करेंगे। हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। इसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर या फिर रेफरेंस नंबर डालेंगे, यहाँ पर डीओबी डालेंगे, यहाँ पर ये कैप्चा फिल करके सबमिट करेंगे। इसके बाद आप ई साइन के लिए रिडायरेक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड से ई साइन कंप्लीट करने होंगे। यहाँ पर आप सिलेक्ट रखेंगे आधार नंबर, यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे, यहाँ पर आधार ओटीपी इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद गेट ओटीपी इस पर ओके करेंगे। अब आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कंसेंट देंगे और सबमिट करेंगे। ई साइन हमारा कंप्लीट हो चुका है और फीडबैक के लिए यहाँ पर एक पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा यूटीआई के साथ। इसके बाद सबमिट रेटिंग, हमारी डिटेल्स आधार कार्ड से 100% मैच हो गई है। तो आप यहाँ पर जो भी डिटेल्स फिल करेंगे आपको बहुत केयरफुली और सारी डिटेल्स बिल्कुल करेक्ट फिल करनी है। अगर आपकी डिटेल्स आधार कार्ड से मैच नहीं होती है तो आप ई साइन नहीं कर पाएंगे और आपका एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको सारी डिटेल्स बहुत केयरफुली और एकदम करेक्ट फिल करनी है। यहाँ पर हमारी एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जनरेट हो चुकी है जिसमें हमारे एप्लीकेशन की कंप्लीट डिटेल्स है, तो आप इसको रिकॉर्ड के लिए सेव करके रख सकते हैं या आप इसको यहाँ से प्रिंट भी निकाल सकते हैं। यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ डाउनलोड साइन पेन फॉर्म इस पर ओके करेंगे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। इस फॉर्म में आपकी कंप्लीट डिटेल्स होगी, जो भी डिटेल्स आपने फिल की है। एप्लीकेशन को ट्रैक करने के लिए आपको इस एप्लीकेशन नंबर को कॉपी कर लेना है। इसके बाद आपको पैन सर्विस पोर्टल, इसी पोर्टल पर आ जाना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर ट्रैक पैन कार्ड इस पर ओके करेंगे। यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे या फिर आप अपना पैन कार्ड नंबर डाल के भी अपना एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पर ये कैप्चा कोड फिल करके सबमिट करेंगे। आपके एप्लीकेशन का जो भी करंट स्टेटस होगा वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे कि हमारे एप्लीकेशन का स्टेटस यहाँ पर दिखा रहा है, योर पैन एप्लीकेशन विद आधार बेस्ड ई साइन ऑप्शन इज रिसीव्ड एंड इज अंडर वेरिफिकेशन। हमारा एप्लीकेशन रिसीव हो चुका है लेकिन अभी अंडर वेरिफिकेशन में है। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने में 24 घंटे से लेके एक हफ्ते तक का टाइम लग जाता है, तो आपको वेट करना है और अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करते रहना है। जैसे ही आपका एप्लीकेशन अप्रूव होगा तो आपके पैन कार्ड की डिजिटल कॉपी आपकी ईमेल आईडी पर सेंड कर दी जाएगी और पैन कार्ड की फिजिकल कॉपी आपके एड्रेस पर बाई पोस्ट सेंड की जाएगी। पैन कार्ड की फिजिकल कॉपी आने में 10 से 15 दिन का टाइम लग जाता है। पैन कार्ड की डिजिटल कॉपी आपको इस तरह से पीडीएफ में मिलेगी। ओपन करने के लिए आपको इसमें एक पासवर्ड डालना होगा, पासवर्ड में आपको अपनी डीओबी डालनी है। इसके बाद आपकी पैन कार्ड की ये पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी और इसमें आपका फोटो और सिग्नेचर और साथ में आपका फादर नेम भी अपडेट हो जाएगा। सो ये कंप्लीट वीडियो है, इस तरह से आप अपने पैन कार्ड में फोटो, सिग्नेचर और साथ में आप फादर नेम भी अपडेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो नहीं किया है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक सभी जगह पर फॉलो कर सकते हैं।